हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक सक्सेस लाइट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चेसर से जुड़ी सभी बातें बताऊंगा, जैसे कि इस चेसर का दाम कितना है, ये कहाँ मिलेगा, ये चेसर में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कितना लड़ी लाइट या बल्ब को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस बॉक्स का नाम क्या है, तो दोस्तों इस बॉक्स का नाम है चेसर। और सेकंड क्वेश्चन यह है कि इस बॉक्स का दाम कितना है, तो दोस्तों इस बॉक्स का मार्केट में प्राइस अभी 300 है। आपके मार्केट में हो सकता है कुछ कम भी हो सकता है और कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, मैं अप्रोक्स प्राइस ही बता रहा हूँ। और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन यह है दोस्तों, ये आपको मिलेगा कहाँ, ये आपको नज़दीकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिलेगा। अगर आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ना मिल रहा हो तो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर यह है, ये टोटल कितने वाट का है, तो दोस्तों ये टोटल 3000 वाट का है पर चैनल, 1000 वाट का है या और तीनों चैनल मिला करके ये 3000 वाट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों कि इस चेसर पे हम लोग कितना लड़ी लाइट जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का एलईडी वाला लड़ी लाइट है तो आप इसमें मैक्सिमम 30 लड़ी लाइट को आराम से जोड़ सकते हैं, यानी एक चैनल पर 10 लड़ी लाइट तो जुटे गए हैं। अगर आपके पास इस तरह का चाइना वाला लाइट है तो आप इसमें ये ज़्यादा ना जोड़ें, ये 24-25 से जोड़ें, ज़्यादा जोड़ने से चेसर पे लोड आएगा और इसका ग्लो भी बहुत ज़्यादा घट जाएगा। ये जो चेसर है मार्केट में बहुत सारे एक्शन में मौजूद है, जैसे कि ये जो आप अपने हाथ में चेसर देख रहे हैं ये 3 चैनल वाला चेसर है। मार्केट में 4 चैनल, 5 चैनल, 6 चैनल, 12 चैनल एवं 24 चैनल वाले चेसर भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं चेसर में आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कैसे आप लड़ी लाइट 100 वाट का बल्ब या नाइट बल्ब को भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो कनेक्शन करने का प्रोसेस दोस्तों सभी में एक समान है, मैं आपको लड़ी लाइट के थ्रू ही बताता हूँ इसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले देख लें चेसर के पीछे आप जो पॉइंट है, सबसे पहले देखते हैं सी, सी मतलब कॉमन। लड़ी लाइट का भी जितना भी तार होगा सब में से एक एक तार को ले लेना है और सबको जोड़ के फर्स्ट वाले कॉमन में जोड़ना है। उसके बाद जैसे जैसे आपको मन करे फर्स्ट चैनल में किसका लाइन देना है, सेकंड में कौन सा लड़ी का लाइन देना है, थर्ड चैनल में कौन सा लड़ी का लाइन देना है, वो अपने मर्जी के हिसाब से आप इसमें दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 लड़ी को लिया हूँ, उस क्या करेंगे तीनों लड़ी का देखिए दोस्तों तार अलग अलग है। इस फर्स्ट लड़ी से एक तार मैं उठा लेता हूँ, सेकेंड लड़ी से भी एक तार उठा लेना है हमें और थर्ड लड़ी से भी एक तार उठा लेना है। ये तीनों तार को हम दोस्तों जोड़ लेंगे इस तरह से, और जोड़ने के बाद ये जो दोस्तों कॉमन दिख रहा है कॉमन में डाल करके नट से टाइट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट वाले लड़ी के तार को 1 में जोड़ देंगे चैनल 1, सेकंड वाले लड़ी के तार को चैनल 2 में जोड़ेंगे और थर्ड वाले लड़ी के तार को चैनल 3 में जोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं कनेक्शन करके और जला के दिखाता हूँ आपको। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लड़ी लाइट का कनेक्शन चेसर के साथ कर दिया हूँ और ये बहुत अच्छा से बिलिंग कर रहा है। और चेसर क्या है दोस्तों मैं बताने भूल गया था, यहाँ पर वॉल्यूम बटन भी होता है। इस वॉल्यूम बटन को कम बेसी करके इस चेसर का जो रनिंग है इसे कम भी और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तो आप 3 लड़ी लाइट जोड़ लिए, अब आपको ज़्यादा जोड़ना हो 10, 15, 20, 30 जितना भी, तो आप कैसे कनेक्शन करें वो मैं आपको एक कॉपी में समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये चेसर का कॉमन पॉइंट है, चेसर का 1, चेसर का सेकंड फेज और सेकंड का थर्ड फेज यानी थर्ड चैनल। तो क्या करेंगे यहाँ पर जितना भी लड़ी हो 10, 15, 20, 25 सबका एक कॉमन को एक दूसरे से जोड़ देना है, और कॉमन को जोड़ने के बाद इस लाइन को यानी इस तार जो रहेगा कॉमन का कहीं से भी ले करके सी में जोड़ देना है। उसके बाद क्या करेंगे फर्स्ट लड़ी का सेकेंड वाला जो वायर होता है उससे हम लोग चैनल 1 से भी जोड़ सकते हैं चाहे चैनल 3 से भी जोड़ सकते हैं। मैं चैनल 1 से जोड़ता हूँ, सेकेंड वाले लड़ी का लाइन को चैनल 2 से जोड़ सकते हैं और थर्ड वाले को 3 से जोड़ दें। अब जो चौथे वाले लड़ी का लाइन है उसे आप चैनल 3 से भी जोड़ सकते हैं या चैनल 1 से। तो चलिए दोस्तों इस लाइन को मैं चैनल 3 से ही जोड़ता हूँ, चैनल 4 वाले लाइन को चैनल 2 से, चैनल 6 वाले लाइन को चैनल 1 से। आप ये जो कनेक्शन है आप मर्जी से कर सकते हैं, कैसे भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर देने का प्रयास करूंगा। अगर दोस्तों अगर आपको इस तरह सा का लड़ी लाइट बनाने का वीडियो चाहिए कि इस तरह का लड़ी लाइट अपने घर पे कैसे बनाएं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसका वीडियो ज़रूर आपको बना के दूंगा।
ये जो लड़ी लाइट है इसका लाइफ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, कि ये इंडियन लड़ी लाइट है, ये चाइना वाले लड़ी लाइट से तो बहुत ही अच्छा है, इसका लॉन्ग लाइफ बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं।